सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। वहीं करनाल में ही गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम साफ नजर आए। करनाल में प्रशासन ने 172 केंद्र बनाए हैं। इसी को लेकर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव से MH1 प्राइम ने खास बातचीत की। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी बने हुए हैं। सर क्या कहेंगे? जी, एक सरल हरियाणा पोर्टल सरकार ने बनाया है। जो इंडस्ट्रीज और जो उसमें एलिजिबल होंगे वो उस पर अप्लाई कर दें। कुछ कमेटीज बनाई गई हैं, वो कमेटीज उनकी देख करके, उनकी एलिजिबिलिटी देख करके उनको पासेज इशू कर देंगे। उस पासेज के बेसिस पे वो अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं। सर कल से जो है गेहूँ की फसल की आवाक भी होगी, मंडियों में किस तरह के इंतजाम रहेंगे किसानों के लिए? मंडियों में सारे इंतजाम हमने कर लिए हैं। 173 परचेज सेंटर्स बने हैं, सब पे ड्यूटियाँ वगैरह लग गई हैं और हम पूरी तरह तैयार हैं। किसानों की सारी फसल हम खरीदेंगे। करनाल में क्या सिचुएशन है फिलहाल की बात करें तो, कितने अब तक केस मामले? फिलहाल हमारे 6 केसेज आए थे, 1 का देहांत हो चुका है, 5 ठीक होके जा चुके हैं। 5 हमारे जो एरियाज हैं वो कंटेनमेंट जोन्स में है, तो अभी तो स्थिति नियंत्रण में है। तो आम लोगों की किस तरह से अपील करना चाहेंगे? लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करें, उसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करें। 3 मई तक लॉकडाउन है और अगर कोई भी उसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई करें। करनाल जिला पर निशांत कुमार यादव ने साफ किया कि जिस तरह से लोगों ने लॉकडाउन का पालन पहले किया, फिर से एक बार लॉकडाउन का पालन करें। करनाल से अपने सहयोगी कैमरामैन विशाल के साथ कमल की रिपोर्ट।